लास्ट लेक्चर में हमने डिवाइडेशन वाले सम्स किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by first x plus 1। देखिए ऐसा बता रहे हैं कि अगर हम x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा, ये फाइंड करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, x plus 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे टाइम में आपको सबसे पहले लिखना है ये जो है ना x plus 1 जिससे डिवाइड करना है equals to 0 plus 1 opposite side minus 1। अब लिखना है p of x equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 put x equals to minus 1। देखिए मैंने क्या बताया, पहले आपको जिससे डिवाइड करना है ना उसके लिए 0 assume करना है, जिससे डिवाइड करना है उसके लिए 0 एज्यूम करना है, फिर प्लस 1 ऑपोजिट साइड माइनस 1 यानी x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। इतने तक पता चला, जिससे डिवाइड करना है उसके लिए 0 देना है, फिर प्लस 1 ऑपोजिट साइड माइनस 1। अब p of x देखना है, x की जगह पे माइनस 1 पुट डाउन करना है, माइनस 1 क्यूब, जहां पे भी x है उसकी जगह पे माइनस 1, 3 * माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 * माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, पता है ना, ऐसे माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वन मंजा वन मंजा वन प्लस थ्री एस एस माइनस वन स्क्वायर वन, माइनस वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस वन मंजा वन प्लस माइनस माइनस थ्री मंजा थ्री प्लस वन, भाई माइनस वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया माइनस वन, माइनस वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया वन प्लस माइनस माइनस थ्री वनजा थ्री प्लस वन, माइनस वन थ्री वनजा थ्री माइनस थ्री प्लस वन, प्लस थ्री माइनस थ्री कट माइनस वन प्लस वन कट, आंसर हुआ जीरो, यानी रिमाइंडर इज जीरो। ये जो आंसर आता है वो रिमाइंडर, याद रखना ये जो आंसर आता है वो रिमाइंडर। बहुत सिंपल है, ये मेथड कब करनी है भाई, जब आपको ओनली रिमाइंडर फाइंड करना है तो, अरे क्वेश्चन फाइंड करना है तो वैसे ही डिवाइड करना होगा, राइट। देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर ऐसे बता रहा है, सेकंड नंबर में x माइनस वन बाय यानी पहले तो x माइनस वन बाय टू इक्वल्स टू जीरो, भाई जिससे डिवाइड करना है उसके लिए क्या लेंगे जीरो, पता चल रहा है ना, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, ओनली रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम जिससे डिवाइड करना है उसके लिए जीरो एज्यूम करना है, जिससे डिवाइड करना है उसके लिए जीरो एज्यूम करना है, प्लस वन ऑपोजिट साइड माइनस वन, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट डाउन करना है, माइनस वन क्यूब थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर वन प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री, फिर प्लस थ्री माइनस थ्री कट माइनस वन प्लस वन कट, आंसर क्या हो गया जीरो। सो आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी रिमाइंडर कितना आएगा जीरो। अब वैसा ही उसी में दूसरा दिया हुआ है, एक्स माइनस वन बाय टू से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या रहेगा, जिससे डिवाइड करना है उसके लिए जीरो देना, माइनस वन बाय टू ऑपोजिट साइड प्लस वन बाय टू यानी एक्स इक्वल टू वन बाय टू। अब नेक्स्ट पॉइंट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन पुट एक्स इक्वल टू वन बाय टू, एक्स की जगह पे क्या पुट डाउन करना है भाई वन बाय टू, वन बाय टू क्यूब प्लस थ्री 1 by 2 square plus 3, 1 by 2 plus 1. 1 को 3 times multiply करेंगे answer 1 आया, 2 को 3 times multiply करेंगे 8, 2 2's are 4, 2's are 8, 3 as it is. 1 को 2 times multiply करेंगे 1, 2 को 2 times multiply करेंगे 4. भाई ये याद रखना, 1 by 2 में numerator denominator दोनों दोनों को 3 times multiply करना है, यहाँ पे दोनों को 2 times multiply करना है, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं, थ्री वन सा थ्री बाई टू प्लस वन, वन बाई प्लस थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू प्लस वन, इसके अपन में कुछ नहीं तो वन, भाई पता चल रहा है ना थ्री वन सा थ्री, अब सबका डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम आएगा एट, पता चल रहा है एट वन सा एट फोर टू सा एट टू फोर सा एट एंड वन एट सा एट, एलसीएम क्या आएगा एट। एट एलसीएम लाने के लिए हमें पहले देखिए
8 को तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बट ओनली डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 बाय 6 बाय 12 बाय 8 बाय सबके लिए एक ही बार है, 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 देखिए 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27 by 8. So remainder is 27 by 8. ये method कब करनी है? जब only remainder find करना है तभी. देखिए, अब third number. यानी आज इसमें 3 numbers करते हैं. फिर दूसरे next lecture में करेंगे. Okay? चलिए. देखिए इसी में अब third number. Third number ऐसा बोल रहे हैं. X. Only X है. मैंने अभी आपको बताया जिससे डिवाइड करना है उसके लिए क्या लेना है आपको जीरो. ओके, और इस वजह ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस वन बाई टू अपोजिट साइड ले जाएंगे तो प्लस वन बाई टू हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आई नहीं, यानी एक्स इक्वल टू जीरो. अब लिखना है पी ऑफ एक्स, थ्री एक्स क्यू प्लस सॉरी ओनली एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन पुट एक्स इक्वल टू जीरो. P of 0, 0 cube plus 3 into 0 square plus 3 into 0 plus 1, 0 का cube क्या हो जाएगा 0, plus 3, 0 square 0, 3 into 0, 0, पता है ना आपको 0 को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आएगा, 0 plus 0 plus 0 plus 1, that is answer 1, यानी इसका reminder क्या होगा भाई 1, आया समझ में. अब उसके बाद क्या जो है वो pi वाला value है, बट पाई वाला और दूसरा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज इतना तो याद रखिए. ओके, सो ये परफेक्शन से तीन करने, कल दो दिन सम और करना होगा और फिर आपको होमवर्क दूंगा, यानी ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी डिवीजन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद रिमाइंडर. ओके, थैंक यू वेरी मच.